Gyagari jan khakunan tsoxla dhiring ladak sinang mangzhung rastun dunchutun nga pa ma tatpur gamunan yan purtia zats. Yang stochung nga dhe tati tsoxpa tsangmisang chinmo le polo grondi ka tsox karu nga dhe zhungi sichong junba Dr. B.D. Mishre yuli chadar spara zats. Rastya sunar! Pranab! Shas! गणतंत्र दिवस प्रेस आपके निरीक्षण के लिए क्या है श्रीमान भारत के राष्ट्र ध्वज में तीन रंग है केसरिया सफेद और हरा इन रंगों का मतलब है केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है सफेद रंग शांति सच्चाई और सद्भाव की प्रतिष्ठा को दर्शाता है हरा रंग भूमि की उर्वरता वृद्धि और शुभता का प्रतीक है ये प्राकृतिक सौंदर्य और उत्कृष्टता का संकेत माना जाता है युरी छदर्स प्रदर्शन ने शिष्यों जुन्बे सिर नाजिन मंजुम गस्तोनी प्रेडी नंगा तोक नमस्कार गुनी जिक्तो जस यंग सुजुंग नजदे मिमांस कुनला सुनिश्चित निजतां कोंगी यर्जासी चर्जी नसोस कुनिस कुनला ठोस तुगा जस महासागर और सर्वभौमिक सत्य को दर्शाता है अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है देवी और सज्जनों एक बार फिर से 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अभी इस वक्त मुख्य अतिथि का कारवा जो है इस वक्त परेड निरीक्षण के लिए CISF झंडा ला संदोक सुम्योते नो सेर्सक्या कार्पो यंग जांसोन जुआ अशोक खोरलो लद्दाख सी मीमांस कुल्ला जुले सलाम मांगजुम गासोन ला तासी डले आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई लद्दाख के सभी प्यारे भाइयों और बहनों आइए हम सब मिलकर अपने लद्दाख को श्रेष्ठ और समृद्ध बनाएं आज इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपने सशस्त्र बलों आर्थिक सैनिक अर्ध सैनिक बलों और पुलिस के जवानों को उनके कर्तव्य निष्ठा के लिए कोटिशः धन्यवाद देता हूं इस साल विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्तम योगदान के लिए बहुत से लोगों को स्टेट अवार्ड्स दिया जा रहा है पुलिस सेवा एवं सुरक्षा संगठनों में अपने विशिष्ट सेवाओं के लिए हमारे चार पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति जी का पुलिस पदक मिला है उनको इस पदक से नवाजा गया है उन सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं
कार्बन न्यूट्रल लद्दाख। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि लद्दाख को एक कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाएं। यह हमारे लिए बड़ी देन है और हमारे लिए यह प्रोग्रेस का एक सोपान है। इस लक्ष्य के लिए 242 गांव में 1.10 मेगावाट की कैपेसिटी के सोलर प्लांट्स स्थापित किए गए हैं। फयांग में एसईसीआई के द्वारा 50 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट शुरू किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में 20,000 करोड़ रुपए की लागत के 13,000 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। चांगथांग क्षेत्र के लिए 24/7 ग्रिड पावर सप्लाई देने के लिए RDSS स्कीम के तहत कार्य प्रारंभ हो गया है। मैंने निर्णय लिया है कि हम लद्दाख में ही अपना खुद का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाएंगे और इसकी संरचना अगले कुछ दिनों में कर दी जाएगी। गस्टेड पोस्ट के भरने के लिए मेरा प्रयास, जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ उसी दिन से मेरा प्रयास है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में कुछ एक इनहेरेंट डिले होती है, उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम अगले 5 वर्षों में न्यू लद्दाख होम स्टे पॉलिसी के अंतर्गत 10,000 होम स्टे बनाएंगे। एस्ट्रो टूरिज्म के लिए चांगथांग में डार्क स्काई रिजर्व का निर्माण किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में CBSE ने 2023-2024 के शैक्षणिक सत्र से भोटी भाषा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। आज मैं 26 जनवरी के पावन अवसर पर एक आग्रह करना चाहता हूं आपसे। आइए हम सब मिलकर लद्दाख को अगले 5 वर्षों में भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे विकसित प्रदेश बनाने का आज प्रण लें। आप सबको गणतंत्र दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय लद्दाख। फर्स्ट परेड कमांडर DYSP जिगमेत दोर्जे मंच के सामने से गुजरते उनके ठीक पीछे सेकंड परेड कमांडर इंस्पेक्टर सबास्तान, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के टुकड़े मंच के सामने से गुजरते हुए देश के हर भाग में तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस देश की कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में सक्षम है। कमांड संभाल रहे थे सब इंस्पेक्टर श्रीपाल सिंह। ITBP कंटिंजेंट मंच के सामने से गुजरते हुए कमांड संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर जय कुमार। उनके ठीक पीछे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF कंटिंजेंट मंच के सामने से गुजरते हुए कमांड संभाल रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सूरज कुमार रजक। लद्दाख पुलिस मेल कंटिंजेंट कमांड संभाल रहे सब इंस्पेक्टर सेरिंग नूरबू। उनके ठीक पीछे IRP 25 बटालियन फीमेल कंटिंजेंट कमांड संभाल रही है सब इंस्पेक्टर देचिन यंगडोल। SPS की टुकड़ी कदम से कदम मिलाते हुए मंच के ओर बढ़ रही है। SPS के कंटिंजेंट के कमांडर हैं हवलदार सिरिंग चुस्त के। देश के गौरव भूतपूर्व सैनिकों की टोली मंच की ओर बढ़ रहे हैं। कमांड संभाल रहे हैं सुबेदार मेजर सिरिंग दवा, चीफ ऑफ स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से नवाजत है। बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन, जोरदार तालियों की मैं यहां पे गुजारिश करना चाहूंगी। सलामी देते हुए NCC गर्ल्स के कंटिंजेंट मान के मंच के सामने से गुजर रहे हैं। कमांड संभाल रही है सीनियर अंडर ऑफिसर ताशी लामो। NCC बॉयज कंटिंजेंट कमांड संभाल रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर नजाकत अहमद। और इनके ठीक पीछे NCC कारगिल कंटिंजेंट कमांड संभाल रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर मुजामल हुसैन। NCC कंटिंजेंट कारगिल के बाद मुताहारी पब्लिक स्कूल कारगिल के स्कूली बच्चे कंटिंजेंट के कमांडर हैं जिशान हैदर।
जय हिंद का नारा लगाते उनके ठीक पीछे महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल के कंटिंजेंट कमांड संभाल रही हैं स्टैंडिंग आर्मी। जय हिंद की गूंज बज रही है आज के शुभ अवसर पर और तिरंगे का रंग अपने साथ लिए हुए ये बच्चे देश के भविष्य हैं। सिंध पब्लिक स्कूल कंटिंजेंट मंच के सामने से गुजर रही हैं, कमांड संभाल रही हैं देजन स्पाल्डोन। उनके ठीक पीछे मरेवन मिशन स्कूल कंटिंजेंट दृढ़ आवाज के साथ कमांड संभाल रही हैं टुंडु ब्लामो और कदम से कदम मिलाते हुए लद्दाख पब्लिक स्कूल के कंटिंजेंट कमांड संभाल रही हैं पद्मा डोलकर। जुले के साथ लद्दाख पब्लिक स्कूल का दस्ता मंच के सामने से खूबसूरत तरीके से बच्चों की जो मेहनत है जोश और खरोश के साथ जो भाग ले रहे हैं इट्स रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। उनके ठीक पीछे बैंड टू लद्दाख स्काउट्स के बैंड मंच के सामने से गुजरते हुए कमांड संभाल रहे हैं CHM नावांग संजन। There you are. Beautiful display. IIP 25 Battalion, Salami Rete Hue, Constable Stanzen Angmo. There you go. Beautiful.